हेलो दोस्तों, मैं सुफियान अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग, मैथ और जीएस के लाइव सेशन को लेकर के आ रहा है यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को हमारे संस्था के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अगर आप बनना चाहते हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के नाम से, आप उसे सबमिट कीजिए। उसके बाद आपका एक परमानेंट लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, देन आप अपने अकाउंट से, अपने लॉगिन आईडी से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, डाइस का हम लोगों ने दो पार्ट इससे पहले पढ़ लिया है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइस का वो मैंने बताया है उन दो पार्ट में। एक पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है डाइस में, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में मैंने बताया है कि कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। आज बेसिकली दोस्तों हम लोग इस वाले वीडियो में डाइस का दो पोजीशन वाला कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे और एडवांस लेवल के मैं कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सपोज अगर आपके एग्जाम्स में किसी डाइस का दो पोजीशन इस टाइप से अगर दिया हो, एक पोजीशन ये है और दूसरा पोजीशन ये है, इन दो पोजीशंस पे चाहे नंबर चाहे रेशो कुछ दिए हो। सपोज मैं नंबर ले लेता हूं, ये नंबर ले लिया है। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, कि सपोज, अब देखिए दोस्तों, मैंने जो पहले दिन आप लोगों को क्लास दिया था तो उसमें बताया भी था कि ये जो दो डाइसेस आपको दिख रहे हैं, ये जो दो डाइसेस ए और बी दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक सिंगल डाइस है, ये बेसिकली एक सिंगल डाइस ही है। उसी सिंगल डाइस का दो पोजीशन, दो ओरिएंटेशन दिया हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज अगर आपको खुद से एक और डाइस ड्रॉ करना हो तो वो डाइस कैसा दिखेगा, उसमें ऑप्शन आपको चार दे दिया हो, अगर चार ऑप्शन अगर आपको दे दिया हो कि क्या वो ऐसा दिखेगा, क्या वो ऐसा दिखेगा, क्या वो ऐसा दिखेगा, ये क्या कर रहे हो सर, सबसे एक तरह दिख रहा है, साइज से पहचानेंगे क्या, रुक जाइए थोड़ा देर, रुक जाइए, अभी बताएंगे। पहले मैं डाइस बना देता हूँ सारा, उसके बाद फिर हम बताएंगे। ऐसे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा क्या दिखने में, हम कैसे बताएंगे क्या, मतलब मेजरमेंट के लिए करके बैठेंगे क्या, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो नहीं करना है। अभी अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों आप लोगों को कि सपोज अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, इसे मैं ड्रॉ करूं दिन दिन दिन, उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूं एक और पोजीशन दिया हुआ है, इस वाले पोजीशन में 2, 4, 6 दिया हुआ हो, इस वाले पोजीशन में 1, 6, 5 दिया हुआ, इस वाले पोजीशन में 3, 6, 5 दिया हुआ, एक और पोजीशन आपको मैं दे रहा हूं,
ये तीन को चार पोजीशन दिया हुआ हो, अगर किसी डाइस का ये चार पोजीशन अगर दिया हुआ हो तो कौन सा पोजीशन करेक्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे सोचने में कि कौन सा करेक्ट आंसर मैं अपने से रखूं, क्योंकि क्वेश्चन में लेकर के नहीं आया हूं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा था ऑप्शन देने में। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको डाइस बनाना नहीं है, ये बात नोट में लिख लो, आपको डाइस बनाना नहीं है। और ये फाइनल डाइस जब बन जाए तो आपको ऑप्शन मैच नहीं करना कि हाँ ये वाला डाइस बन के करेक्ट होगा। ऐसे ऑप्शन में आपको दोस्तों हमेशा डाइस को कैंसिल आउट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये बात आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिख देते हैं This type of questions can be solved by just eliminating option or eliminating the option. Option को eliminate करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे उस पे आते हैं हम लोग। अब ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होंगे उसका कोई लॉजिक तो होगा, उस पे हम लोग आते हैं। तो हमको करना पहले क्या है, पहले देखना है कि क्वेश्चन में दो पोजीशन दिया हुआ है, मतलब ये दो पोजीशन का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मैंने देखा क्वेश्चन में सिंगल कॉमन दिया हुआ है और वो कॉमन है तीन, वो कॉमन है तीन, मतलब कि ये सिंगल कॉमन का क्वेश्चन हो गया। अब करना क्या है, तो पहले आप सारे नंबर्स का ओपोजिट फाइंड कर लो, सारे नंबर्स का ओपोजिट फाइंड पहले कर लो। तो अगर मैं ओपोजिट फाइंड कर लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ फाइंड कर ले रहा हूँ, तो तीन उसके बाद दो उसके बाद पाँच, तीन उसके बाद चार उसके बाद एक, मतलब ये है चार का ओपोजिट दो होगा, पाँच का ओपोजिट वन होगा, तीन का बचा हुआ कौन होगा छः होगा, तीन का बचा हुआ कौन होगा होगा। अब ये आपको श्योर है कि ये इसके अपोजिट होंगे, इतनी कंफर्म बात हो गई। मैंने एक पॉइंट बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो मेरे कंप्लीट वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा। एक पॉइंट मैंने बताया था कि टू ओपोजिट नंबर्स कैन नेवर सीन और नेवर हाइड टुगेदर, एक साथ दो ऑपोजिट नंबर ना तो दिख सकते हैं ना तो छुप सकते हैं। चाहो तो आप इस नोट पॉइंट को लिख लो, अगर मैं बताया हूँ और आप अगर पढ़े नहीं हो, इसको मैं यहाँ पहले एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ लिख देता हूँ। ये तो पहला पॉइंट हो गया ना, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए टू ऑपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन और हाइड साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ ना ही वो छुप सकते हैं और ना ही वो दिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये मैंने बताया था कि सपोज अगर आप एक पासा ले लो, एक डाइस ले लो, तो अगर हमारा मानक पासा हो जो कि हम लोग नॉर्मल लूडो में खेलते हैं, तो देखे होंगे कि जब भी आपको इधर अगर एक दिख रहा है तो उसके ऑपोजिट क्या दिखता था, सिक्स दिखता था। इधर पांच दिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या दिखता था, दो दिखता था। इधर तीन दिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या दिखता था, चार दिखता था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो अपोजिट नंबर का सम क्या होता है, सेवन होता है मानक भाषा में, इसकी बात आगे भी करेंगे हम लोग। तो ये बताइए दोस्तों, अगर आपको इधर एक दिख रहा है तो आप अगर एक साथ तीन फेस को देख सकते हैं, मैंने बताया था थोड़ा टिक करके तीन फेस को आप देख सकते हैं, तो अगर आप तीन फेस को देखोगे और एक इधर दिख रहा है तो क्या और बाकी दो फेस पे छह आपको दिखेगा क्या, नहीं, जो नहीं दिखेगा कि छह जो है वो एक के सटे हुए फेस पे नहीं रहेगा, एक के विपरीत फेस पे रहेगा। तो तीन फेस जो दिख सकता है वो तीन फेस केवल और केवल सटा हुआ दिख सकता है। देखो ये फेस इससे सटा हुआ तो ये दोनों दिख रहा है, ये फेस इससे सटा हुआ तो ये दोनों दिख रहा है, ये फेस इससे सटा हुआ तो ये दोनों दिख रहा है, मतलब तीनों फेस आपस में सटे हुए हैं तो दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट वाला, इधर वाला फेस दिख रहा है क्या, इसके अपोजिट वाला दूसरा वाला फेस दिख रहा है क्या, इसके अपोजिट पीछे वाला फेस दिख रहा है, नहीं, अपोजिट दिख ही नहीं सकता, एडजेसेंट भी एट ए टाइम दिख सकता है, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। अब देखो दोस्तों, मैंने ऑपोजिट क्या किया, फाइंड कर लिया, क्या हुआ, वन का ऑपोजिट पांच, दो का ऑपोजिट चार, तीन का ऑपोजिट छह, ये मैंने फाइंड कर लिया है। ऑप्शन आप
देखो और इलिमिनेट करते चलो। पहले ऑप्शन को अगर मैं देखो तो दो और चार, दो और चार ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है ना। दीज टू नंबर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दो नंबर ऑपोजिट है, क्यों? क्योंकि मैंने फाइंड कर लिया यहां से। अब ये दो ऑपोजिट नंबर क्या एक साथ दिख सकते थे क्या? ये दो ऑपोजिट नंबर एक साथ दिख सकते थे क्या? हरगिज नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर वन विल बी रॉन्ग। क्लियर है क्या? ऑप्शन टू पे आइए, ऑप्शन टू पे आइए, और ऑप्शन टू पे अगर मैं देखूं तो वन और फाइव दीज टू आर ऑल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे नेवर बी सीन टुगेदर, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं तीसरे वाले पोर्शन पे, तो थ्री और सिक्स भी क्या है, एक साथ दिख गया। थ्री और सिक्स भी क्या हो गया, एक साथ दिख गया, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन अच्छा था ना, तो अगर अच्छा क्वेश्चन लगा तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए और भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी और भी अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने, मैं आपके बोर्ड के सामने लगाता हूँ, मतलब देखता हूँ, और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। ये समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो एक सेकेंड रुक जाओ, ये दो डाइस आपको दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि कौन सा डाइस पॉसिबल है, मतलब कि करेक्ट है, कौन सा डाइस करेक्ट है। मैं आपको डाइस बता देता हूं, फिर वही कहानी है, सभी जैसा दिख रहा है सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने नंबर नहीं लिखा है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डाइस बनाया है। अब मैं खुद से नंबर लिखता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग वेट कीजिएगा, मैं खुद से पहले ऑप्शन दे रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा आप लोग। एक सेकंड जस्ट वेट सेकंड, मैं थोड़ा ये ऑप्शन दे रहा हूँ तो टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन लेकर के नहीं आया, क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसमें तो खुद से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। चलिए अब बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपके सामने क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर जो ये दो पोजीशन दिया हुआ है ए और बी, इसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं और आपको अगर एक तीसरा डाइस बनाना हो तो वो कैसा दिखेगा इन चार ऑप्शंस में से, तो मैंने बता दिया था करना क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और दो नोट पॉइंट याद रखना है, पहला नोट पॉइंट ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है एलिमिनेट करके, और दूसरा क्या याद रखना है कि दो ऑपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन और नेवर बी हाइड साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। क्लियर है क्या? अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ऑपोजिट फाइंड करते हैं, दो पोजीशन दिया हुआ सिंगल कॉमन है, तो ये सिंगल कॉमन है, इसको आप पकड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा डी, इधर आ जाएगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद एफ, बी का ऑपोजिट सी, डी का ऑपोजिट एफ, और ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो ई, ये हमारा ऑपोजिट आ गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर वन को देखता हूँ थोड़ा और से, तो देखिए बी और सी ऑपोजिट में है और बी और सी क्या है एक साथ दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया।
डी और एफ जो है वो अपोजिट है और डी और एफ जो है इस ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो एक साथ दिख गया तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो वाला आप डैम श्योर होंगे कि ये ऑप्शन गलत होगा ही होगा उसी पे आप करेक्ट कीजिएगा क्योंकि आगे हम अभी पढ़ेंगे ठीक है। तो डैम श्योर कब हो सकते हैं जब आप डैम श्योर हो कि हाँ ये नंबर इसके अपोजिट है तभी आप डैम श्योर हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ए और ई क्या है आपस में अपोजिट है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं एक साथ मतलब क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर। देखो इसमें कोई दो अपोजिट ऐसा दिख रहा है क्या। अच्छा एक सेकंड बाय मिस्टेक ये मैंने गलत कर दिया है इसको सी मत कीजिए इसको सी मत कीजिएगा इसको सी मत कीजिए इसको आप कर सकते हो इसको आप कर सकते हो एफ इसको आप एफ कर सकते हो करेक्ट हो जाएगा क्लियर है क्या। इसको आप एफ कर दो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या समझ में आया या नहीं आया समझ में आया क्या समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं थोड़ा अच्छा सा उसको सॉल्व कीजिए। सपोज यही क्वेश्चन रहता आपने अपोजिट फाइंड कर लिया है मैं ऑप्शन बदल देता हूं और क्या आंसर होगा ये बताना है आपको। ये चार चॉइस भी मैंने दिया है आपको ये चार ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो आप अभी खुद से मन में सॉल्व कर भी लिए होंगे बी और सी क्या है अपोजिट है और बी और सी कहीं अपोजिट दिख रहा है क्या। चलिए आगे चलते हैं डी और एफ अपोजिट है तो डी और एफ कहीं आपस में दिख रहा है क्या एक साथ। आगे चलिए ए और ई अपोजिट है ए और ई अपोजिट है मतलब कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ बी और इसका मतलब ये है इसका मतलब ये कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया ए और ई यहाँ भी अपोजिट दिख रहा है तो ये क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद फिर डी और एफ देखिए अपोजिट यहाँ है तो ये क्या हो गया गलत हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें कोई दो अपोजिट दिख रहा है क्या एक साथ ए के साथ एफ है वो अपोजिट में नहीं है और बी है वो भी अपोजिट में नहीं है मतलब ये करेक्ट हो गया ये तीनों रॉन्ग हो गया क्लियर है बात समझ में आई। और भी अच्छा क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करना आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि दो अपोजिट नंबर नेवर बी सीन टुगेदर और नेवर बी हाइड टुगेदर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। अभी एक और अच्छा एडवांस प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं उसको ट्राई कीजिए आप लोग एक और एडवांस प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं उसे आप लोग ट्राई कीजिए। चलो क्वेश्चन ये कह रहा है ये आपको दो पोजीशन दिया हुआ है किसी डाइस का और बोल रहा है कि सपोज अगर मैं एक अनदर डाइस बनाऊं और उस अनदर डाइस में उस एक अन्य डाइस में मैंने कुछ नंबर लिख दिया और बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। क्वेश्चन बन गया क्या कि सपोज अगर मैं तीसरा डैश बनाता हूँ और दो नंबर आपको दे दिया तो तीसरा नंबर क्या आएगा वो आपको बताना है और इसका मैं ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ ऑप्शन देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो टेंशन नहीं लेने का। Thank you.
ठीक है, उसके बाद मैं दे देता हूँ, उसके बाद मैं दे देता हूँ ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिया है। अब बताना है आपको कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, हाजिर है क्वेश्चन ये, दो पोजीशन दिया हुआ है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। इस वाले पोजीशन में आपको 135 लिखा हुआ है, इस वाले पोजीशन में 346 लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछना है कि एक अगर तीसरा मैं पोजीशन बनाऊ किसी का उसी का इसका, और उस वाले तीसरे पोजीशन पे दो नंबर अगर लिखे दोनों 1 और 4, तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? ठीक है, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, क्या वो 5 होगा, क्या वो 6 होगा, क्या वो 2 होगा, क्या वो 4 होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं है, एडवांस प्रॉब्लम क्वेश्चन है सारा। ठीक है, तो आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं देखूंगा गौर से, तो दो पोजीशन दिए हुए, क्या सिंगल कॉमन है, या सिंगल कॉमन है, तो इसको पकड़ करके क्या करना, ऑपोजिट पहले फाइंड करो, 3 के बाद 5 के बाद 1, 3 के बाद 4 के बाद 6, तो 5 और 4 ऑपोजिट हो जाएगा, 1 और 6 ऑपोजिट हो जाएगा, 3 और 4 ऑपोजिट हो जाएगा, 2 ऑपोजिट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया है, अब मैंने आपको क्या बताया है, इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय जस्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन और उससे सॉल्व करेंगे, हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम ऑप्शन को एलिमिनेट ही करेंगे। दूसरा, दो ऑपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन और नेवर बी हाइड टुगेदर, एक साथ दो ऑपोजिट नंबर देख भी नहीं सकते और छिप भी नहीं सकते हैं। अगर मैं इसे देखूं, इसे मैं देखूं, तो यहां पे 4 है और 4 का ऑपोजिट क्या है, देखिए आपने फाइंड किया है 5, तो कंफर्म है आप कि 4 के साथ 5 हो ही नहीं सकता, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 4 के साथ 5 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 4 और 5 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। चलिए यहां पे है 1, 1 का ऑपोजिट 6 है, तो 6 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो अब बच गया दो ऑप्शन, अब बच गया दो ऑप्शन, तो 4 का ऑपोजिट क्या 2 है, क्या 4 का ऑपोजिट 2 नहीं है, तो 2 हो सकता था। और अगर मैं बात करता हूं, तो 4 एक दूसरा ऑप्शन क्या है, 4, तो अगर आप और से देखोगे क्वेश्चन को, तो सेम नंबर रिपीट भी तो नहीं हो सकता, अगर यहां 4 आ चुका है, तो यहां पे फिर से 4 नहीं आ सकता है, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी डी भी गलत हो गया। तो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, उस थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके बताइए। सपोज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे 4 तो अलग लिख दिया था, तो 4 रिपीट नहीं हो सकता है, तो आपने तुरंत जज कर दिया, लेकिन सपोज अगर 4 नहीं रहता तो कैसे जज करेंगे, तो एक दूसरा क्वेश्चन देखिए वो आना कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ और आपको बताना है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है दो पोजीशन दिया हुआ है, दो पोजीशन दिया हुआ है, तीसरा पोजीशन मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, और मैं ऑप्शन बदल दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। आप देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या बना रहा हूं, पहला ऑप्शन मैं देता हूं, दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसका कौन ऑपोजिट है, ठीक है ठीक है, देन यहां से आपको बचेगा क्या, एक सेकेंड, 1 5, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें ऐसे नहीं हो सकता, नंबर बदलना पड़ेगा आपको, नंबर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, इसमें नंबर आपको बदलना पड़ेगा, नो डाउट, टाइम शो, इसमें नंबर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर बदल गया, अब नंबर क्या रख रहा हूँ वो देखिए ध्यान से, आप क्यों ऐसा किया उसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा। अब मैं बता देता हूँ नंबर क्या है, ये
ये क्वेश्चन है। तो ऑपोजिशन में फाइंड करता हूं तो यहां से आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 1 का ऑपोजिट 6, 5 का ऑपोजिट 4 है और 3 का ऑपोजिट 2 है। आपने एक बार बताया था सर कि दो ऑपोजिट नंबर कैन नेवर बी सेम और हाई टुगेदर, तो 3 के साथ 2 नहीं आ सकता है, ये आप डैश जोड़ो तो इसको आप हटा दो। आपने एक बार बताया था सर दो ऑपोजिट नंबर कैन नेवर बी सेम टुगेदर, मतलब क्या हो गया 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6, इसको भी आप हटा दो। ठीक है, ये दो पोजीशन तो आपने हटा दिए। अब बताओ ना, अब बताओ ना कि 5 होगा या 4 होगा। अब तो यहां पे दो ऑपोजिट नंबर, यहां पे 5 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 3 का ऑपोजिट नहीं है, 5 जो है वो 1 का ऑपोजिट नहीं है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 3 का ऑपोजिट नहीं है, 4 जो है वो 1 का ऑपोजिट नहीं है। अब आप फंस गए ना, क्या 4 होगा या 5 होगा, क्या 4 होगा या 5 होगा। तो ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, और भी एडवांस है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों गौर से अगर आप देखोगे तो ये वाला डायग्राम को अगर आप देखो, इस थर्ड पोजीशन को अगर आप देखो, इस थर्ड पोजीशन को अगर देखता हूं तो 1 और 3 दिखा मुझे, और पहले वाले पोजीशन में भी 1 और 3 दिखा मुझे। मतलब ये है पॉसिबिलिटी, ये है पॉसिबिलिटी, ये है कि दोनों डायग्राम एक तरह हो, सेम ही हो, दोनों डायग्राम सेम ही हो, ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? अब ये पॉसिबिलिटी अगर है तो दोनों डायग्राम अगर सेम हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा 5, दोनों डायग्राम अगर सेम हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? चलो कैसे पहचानेंगे कि दोनों सेम है, कैसे पहचानेंगे कि दोनों सेम है? सपोज अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख देता, अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता, यहां पे तो दिख जा रहा है कि सेम ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डायग्राम बदल दे रहा हूं, ऐसा रहता। अब बताओ कि दोनों डायग्राम सेम है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? हो सकता है अलग भी हो। देखो क्या करना है, यहां पे है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। आपको 1 से 3 पे जाना है तो दो रास्ता है, एक रास्ता ये है। क्यों 1 से 3 पे जाना है? क्योंकि 1 और 3 यहां भी दिख रहा है, 1 और 3 यहां भी दिख रहा है। तो आपको 1 से 3 जाने का दो रास्ता, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। कौन सा रास्ता सही होगा? तो ऐसा रास्ता सही होगा जिस वाले रास्ते पे एक भी घर बीच में ना आए, एक भी घर बीच में ना आए, या एक भी डाइस का फेस बीच में ना आए। देखो यहाँ पे अगर मैं इधर से ऐसे जाता हूँ तो एक फेस जो है वो 5 आ जा रहा है, तो इस वाले रास्ते को आप क्या करोगे? टफ रास्ता है, बीच में ज्यादा दूरी तय करना हो तो इसको नहीं मानोगे, इस वाले रास्ते को मानोगे, क्योंकि ये वाला रास्ता डायरेक्ट 3 पे पहुंचा रहा है। इस वाले रास्ते से अगर मैं जाता हूँ डायरेक्ट 3 पे तो मुझे जाना होगा क्लॉकवाइज, मुझे जाना होगा क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको देखता हूं 1 से 3, इसको देखता हूं 1 से 3, तो इसे भी क्लॉकवाइज जाऊंगा, क्योंकि ये वाला रास्ता तो नहीं आ सकता है, यहां पे अगर आऊंगा तो ये वाला घर आ जा रहा है ना, तो इसको नहीं जाएंगे, ये वाला रास्ता को अपनाएंगे। मतलब क्या हुआ, इस वाले रास्ता को अपनाने में मुझे इस वाले डायग्राम में भी क्लॉकवाइज ही मूव करना है। मतलब ये डायग्राम के डायग्राम सेम है, मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा। सर 4 कब होगा? 4 भी हो सकता है ना, तो 4 कब होगा बताइए ना सर। तो आइए अब देखते हैं 4 कब होगा। सपोज अगर इस डायग्राम को मैं बदल देता हूँ, अगर मैं इस डायग्राम को बदल देता हूँ, इस डायग्राम को चेंज कर देता हूँ, और ये डायग्राम चेंज हो करके और ये क्वेश्चन मार्क बन गया। अब बताइए ना सर कि क्या होगा, ऑप्शन में 4 कब होगा? तो इस वाले ऑप्शन को मैं देखूंगा तो ये तो कंफर्म है कि 2 और 6 जो है वो रॉन्ग होगा। अब ये वाले को देखा तो मैंने क्लॉकवाइज मूव किया ना, क्लॉकवाइज मूव किया, लेकिन इस वाले को देखा मैंने, इस वाले में 1 से 3 जो मुझे मूव करना था, ये वाला पाथ अपनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक घर बीच में आ जा रहा है, कौन सा पाथ अपनाएंगे? यही वाला। मतलब इस वाले में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्या हुआ, ये वाला बोल रहा है क्लॉकवाइज चलिए, ये वाला बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलिए, मतलब दोनों का क्या है, ऑपोजिट है, दोनों का क्या है, ऑपोजिट है। तो यहां पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसका ऑपोजिट, 5 का ऑपोजिट दैट इज इक्वल टू 4। तो इस वाले केस में 4 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में बात आया, समझ में आया क्या, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन अच्छा था ना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, या अच्छा था मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। अभी और अच्छा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। सपोज अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन को ऑप्शन बदल देता, मैं यही क्वेश्चन का ऑप्शन बदल देता तो बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क 4-6 और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बदल गया, ऑप्शन बदल गया, ऑप्शन जो है वो ए में कुछ है आपको अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सर आपने बताया था कि दो ऑपोजिट नंबर एक साथ दिख नहीं सकते या छिप भी नहीं सकते हैं। तो चार अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो चार का अपोजिट 5 है, मतलब ये नहीं होगा। 6 यहाँ है, 6 का अपोजिट 1 नहीं होगा। अब बचा दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में कौन सही होगा। तो सर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और अगर मैं इस वाले डायग्राम को इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी 4 और 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 और 6 आ रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों डायग्राम सेम हो, ये दोनों डायग्राम सेम ही हो। तो अगर सेम होगा तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, नहीं तो अपोजिट होगा। तो क्या आ जाएगा, 3 का अपोजिट। तो देखिए सेम है क्या, 4 से 6 पे आइए, 4 से 6 पे आइए क्लॉक वाइज आ रहे हैं, 4 से 6 पे आइए एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं, मतलब अपोजिट है। अपोजिट है तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, क्या होगा, 3 का अपोजिट दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अगर समझ में आया सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों सेशन को दिल से लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक न्यूज आपको मैं बता देता हूँ, ये वाली जो मुहिम है दोस्तों कमीशन पाठशाला की, इस मुहिम के तहत आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड कराया जा रहा है जीएस रीजनिंग और मैथ का लाइव क्लास, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। तो अगर आपको इस फैसिलिटीज को अवेल करना है तो आपको एक काम करना होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा कि आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है TCMS ट्यूशन क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जा रहा है, प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने बोले। बाकी सब एप्लीकेशन में कुछ चार्जेस लग रहा है, इसलिए मैं फ्री वाला प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपका एक लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, देन आप उसको अपने अकाउंट में एक्सेस करना, सारी फैसिलिटीज को अवेल कर लेना। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।